point A5P B15 C21 and D62 form a square, find P. These four points form a square, find the value of P. क्या करेंगे इसमें, क्या कर सकते हैं स्क्वायर के केस में? साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, कौन सा लगाएंगे जिससे इजीली हो जाए? डायगोनल्स क्या है, इक्वल डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वो तो काफी ऐसे ही पैरेललोग्राम का क्वेश्चन किया था ना, ऐसे ही सेम था उसमें पैरेललोग्राम के वर्टिसेस से आपने मिसिंग वेरिएबल ए की शेयर फाइंड करना था या दो फाइंड करना था, उसमें हमने क्या किया था डायगोनल्स बाइसेक्ट ही चला, एसी का मिड पॉइंट और डीडी की मिड पॉइंट को सेम किया, यहां पर भी वही वाला लगाते देखो, इन्होंने कुछ और किया, इन्होंने किया एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा ना, एडजेसेंट साइड करोगे तो अगर आप ऐसे करते हो ए बी सी डी तो आप इन दोनों की लेंथ इक्वल करोगे या इन दोनों की करोगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, उससे बेटर है मेरे हिसाब से आप डायगोनल करके देखो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट दोनों को इक्वल करो, मिड पॉइंट ऑफ एसी मिड पॉइंट ऑफ बीडी के इक्वल करो, एसी का मिड पॉइंट फॉर्मूला से बीडी का मिड पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू सिक्स, क्या कर रहे हो मिड पॉइंट, एसी का मिड पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ऐसे ही बीडी का मिड पॉइंट अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, दोनों के मिड पॉइंट को इक्वल कर दो, क्या लगा रहे थे आप दीक्षा, आप क्या फॉर्मूला लगा रहे थे? मैं डिस्टेंस मना भी कर रही हूँ आपको, पैरेललोग्राम आ जाए या उसकी कोई भी टाइप आ जाए जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर या रोम्बस, तो उसमें डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड करके इक्वेट कर देना, एसी का मिड पॉइंट, एसी का मिड पॉइंट क्या होगा फाइव प्लस टू बाय टू और पी प्लस वन बाय टू इक्वल टू बीडी का मिड पॉइंट वन प्लस सिक्स बाय टू फाइव प्लस टू बाय टू सेवन बाय टू पी प्लस वन बाय टू सेवन बाय टू सेवन बाय टू लेफ्ट एक्स एक्स इक्वल है वाई को इक्वल करो पी प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू सेवन बाय टू कैंसिल पी इज इक्वल टू सिक्स, क्लियर है? डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, तो जब भी टाइप ऑफ पैरेललोग्राम आए आप मिड पॉइंट्स लो, चाहे पैरेललोग्राम आ जाए रेक्टेंगल रोम्बस या और स्क्वायर, आपकी बुक में यही क्वेश्चन पैरेललोग्राम में दिया हुआ है, नेक्स्ट इज डन, थ्री वर्टिसेस आर गिवन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, कैसे फाइंड करेंगे ट्रायंगल के थ्री वर्टिसेस गिवन है 0 0 2 0 0 2 पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, इस साइड की लेंथ निकाल लो, कैसे डिस्टेंस है इसकी लेंथ, इसकी लेंथ तीनों को प्लस कर दो, करो फाइंड जल्दी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? हाँ
एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू, हाँ स्क्वायर हो गया, अपने घर का राज चल रहा है, स्क्वायर हो गया, टू हो गया, एक ही बात है, ओवर, हर चीज का मतलब एक ही है ना। क्या आ रहा है? फोर। मिस्टेक क्यों आई? तो ब्लंडर कहते हैं, मिस्टेक थोड़ी है ये। क्या आ रहा है गरिमा? लेंथ बोलो एबी की कितनी आ रही है? बीसी और नेक्स्ट टू, नेक्स्ट भी टू आ रही है, तो टोटल हो गया टू प्लस टू रूट टू प्लस टू, टू प्लस टू फोर, ये एड नहीं होगा, क्यों? अनलाइक है, ये दोनों लाइक है ना, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट ऐड होगी, ये नहीं ऐड होगा, इसको सिक्स मत कर देना प्लस करके, ये अलग है, ये रूट टू के साथ है, ये सिंपल टर्म है, ऐड नहीं होगी, फोर प्लस टू रूट टू, ये देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वन थ्री, बी माइनस थ्री टू, सी थ्री फोर, डी फोर वन, विच पॉइंट इज नियरेस्ट टू ओरिजिन? कहते हैं ये फोर पॉइंट है, इनमें से कौन सा पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन के साथ सबसे लेस है, नियरेस्ट है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, किसका, किसके ऊपर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, किस पॉइंट पे बैठे हैं? सही तरह से बताओ, आपने सॉल्व करना है, बस इतना ही बताना है कि करना किसके साथ है, डिस्टेंस किसका फाइंड करोगे, हर पॉइंट को चेक कर, हाँ पहले, पहले का नेम क्या होगा, ए ओ, दूसरे का, फिर सबकी लेंथ फाइंड करेंगे, सबका डिस्टेंस, ए ओ फिर बी ओ फिर सी ओ फिर डी ओ, ठीक है, फिर चेक करेंगे इसमें से सबसे लीस्ट डिस्टेंस किसका है, मीन सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, दैट विल बी नियरेस्ट टू ओरिजिन, करो फाइंड, ए ओ, इक्विडिस्टेंट, हाँ जी, उसमें एओ की वैल्यू दीक्षा कितनी आ रही थी, दीक्षा, नेक्स्ट बोलो इमानी, बीओ कितना आ रहा है, कोई और नहीं फाइंड किया,
कृतिका बोलो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट गरिमा, सीईओ की लेंथ कितनी आ रही है, इतनी देर ये आ रही है सबकी लेंथ, ये डेसिमल में आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 3 3 9 होता है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 3 होता है वो, ये √13 है, √13 कितना आएगा, √10 से ज्यादा होगा, ऐसे √17 उससे ज्यादा होगा, और 5 तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो सबसे लीस्ट कौन सा है, ए वाला, ठीक है, सॉल्व नहीं करने बैठ जाना, अप्रोक्सीमेटली देखना है, तो ए इज नियरेस्ट टू ओरिजिन। नेक्स्ट देखो, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट, क्या मतलब है इसका, एक पॉइंट है पी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो वाई से डबल है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट, किसको, वाई तो वाई रहेगा ना, एक्स वाला डबल हो रहा है, 2y, एक्स कोऑर्डिनेट इज डबल द वाई कोऑर्डिनेट, तो अगर ये वाई है तो ये इसका डबल है, और अगर आप इसको x लेते हो तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब ये डबल है तो ये क्या हो रहा है, इसका एग्जैक्टली हाफ है, 2y का हाफ क्या आ रहा है भाई, ये p की वैल्यू आ गई। अब कहते हैं ये जो p पॉइंट है ना, ये q और r से इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट का मतलब pq का डिस्टेंस pr के सेम है, मतलब pq इज इक्वल टू pr, चलो अप्लाई करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस सेम है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दीक्षा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, हाँ जी फिर बोलो, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू पे और पी आर पे, दोनों को इक्वल कर दो, फॉर्मूला बोल, चल सही बोलियो, हाँ ओवर क्या होता है, अपॉन होता है, ओवर अपॉन आना है, ओ होल स्क्वायर आना है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, ऐसे बोलती है, क्यों बोलती है ऐसे, वैसे तो बहुत कुछ बोल लेती है, चल बता, बताऊ इनको तो क्या बोल रही थी, लिख चल, हाँ अब देख लिख रही है, अब गलत हुआ ना, इन सबको बता देना तूने क्या बताया था मुझे, रूट लगा गलत है, होल रूट, हाँ जी लगाना है, हाँ चल, यही तो गलती है सबसे बड़ी, इसका डिस्टेंस इसके सेम है, ये तो नहीं कहा कि पी उस लाइन के एग्जैक्टली सेंटर में लाई कर रहा है, ये तो नहीं कहा किसी ने, तो यहाँ पे मिड पॉइंट लगाने की गलती नहीं करनी, हो सकता है आंसर आ भी जाए, हो सकता है बिल्कुल ही ना आए, इसलिए कभी भी नहीं लगाना जब तक कहा ना हो, जैसे हम किसी सर्कल के डायमीटर की बात करें तो उसमें तो पता है ना कि ये सेंटर होगा, तो वहां पे श्योरिटी है कि सेंटर जो है वो डायमीटर का मिड पॉइंट है, वहां लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो श्योरिटी नहीं है ना, यहाँ हो भी सकता है कि इसके सेंटर में एग्जैक्टली आ रहा हो सकता है ना भी आ रहा हो, ठीक है इसलिए, और नहीं चल जल्दी कर,
पी क्यू इज इक्वल टू पी आर करके क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बच्चे, एक्स या वाई में से क्या आया अभी तक? अलग अलग सॉल्व कर रहे हो दोनों को? पहले पी क्यू सॉल्व कर लिया, पी क्यू कितना आ रहा है? वाई 8 आ रहा है, 2y 18 आ रहा है, 16 आ रहा है, 16। सिक्सटीन कॉमा एट एक मिनट आता था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर ये प्लस है कि माइनस है? प्लस आएगा, इसको ऐसे करो ना, इसको इकट्ठा ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस, ठीक है, इसे वाला करो सॉल्व, करो करो, 16.8, तो बस तेरे केस में चल जाएगा। नहीं हुआ सॉल्व, थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, एक्स पे दोनों तरफ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन रही है राहुल? नहीं हुआ, किसको? आपने 2y वाली ब्रैकेट्स को एक तरफ, y वाली एक तरफ किए थी, एक तरफ, अच्छा ठीक है, ये आपका नेगेटिव क्यों आ रहा है? आपने आ पी क्यू, क्यू में से पी को माइनस की है सब में, आपका ये ऐसे नहीं आ रहा ना, आपका 2 - 2y आ रहा है ना, आपने रिवर्स लिया, चलो कोई बात नहीं, चल जाए, इसी को ही खोल देते हैं, 4y² प्लस 4 - 8y, वाई स्क्वेयर प्लस 25, यहां -5 था, -5 था ना क्वेश्चन में, और 3 भी माइनस का था, ठीक है ठीक है ठीक, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, 4y² से 4y² कैंसिल, ये कितना आ गया 2y प्लस 29 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, ये कितना आ गया 45, कोई प्रॉब्लम है?
ये कैंसिल हो रहा है 12 बाई 12 बाई, फिर वाई यहाँ पे 45 माइनस 29, 6, ठीक है वाई 8 आ गया। और कोऑर्डिनेट था क्या, 2 2 वाई कॉमा वाई, 8 और ये 16, जिन्होंने कर लिया वो नेक्स्ट स्टार्ट कर लो। जब तक आपके आंसर खुद नहीं आएंगे ना तब तक कोई बेनिफिट नहीं है, पेपर में कैसे करोगे, नहीं आता ना तो जैसे मर्जी खुद करना है, ऐसे तो कभी भी नहीं आंसर्स आएंगे, टाइम वेस्ट भी हो जाएगा आंसर भी नहीं मिलेगा, फिर फायदा क्या उसका, इसलिए पूरे पूरे खुद सॉल्व करो क्वेश्चंस, चाहे 2 बार करना पड़े 3 बार करना पड़े लेकिन खुद सॉल्व करो, अदरवाइज पेपर में नहीं होंगे आपसे सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और मीनिंग मुझे बताओ और स्टार्ट करो सॉल्व करना। इसका आंसर क्या बोला है आपने, माइनस, इमानी बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वन एंड इज दिस, एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10, फाइंड कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फॉर्मूला किस पे लगाएंगे, टेन कॉमा वाई, हाँ किस पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, बोलो बोलो, ठीक बोल रहे थे, बोलो किस पे लगाएंगे, मैं ये पूछ रही हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला किस पे लगाएंगे और किसके साथ इक्वल करेंगे, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, एक ये पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये आ गया 10 कॉमा वाई, तो इस पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको एक को पी दे दो एक को क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू, बेटा पॉइंट ही दो है तो पी आर कहां से आएगा, पी क्यू की लेंथ किसके इक्वल है, आपको कहते हैं एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 10 यूनिट्स है, इसका जो वन एंड है उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, जो अदर एंड है उसका एप्सिसा 10 है और ऑर्डिनेट वाई है, इसकी लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 10, बस यही तो करना है, बात समझ आई,
पूरी लाइन की लेंथ दे रखी है 10, तो PQ से डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी लेंथ आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। सॉल्व कर दो, चलो करो। PQ इज इक्वल टू 10, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे रूट हट जाएगा और राइट साइड पे 10 का स्क्वेयर हो जाएगा, 100 बन जाएगा। सॉल्व करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। कॉस थीटा वाले का आंसर कितना आ रहा है? ये सॉल्व कर लिया, क्या हुआ कृतिका, थक गई है? थक गई, क्वेश्चन कर लो जल्दी करो, क्या आ रहा है इसका आंसर? अरे बच्चे यहाँ क्वेश्चन नहीं हो रहे, एग्जाम में कैसे करोगे? नहीं ऐसे आंसर बता दूंगी तो पता चल जाएगा कैसे करना है। आप देखो कैसे करना है, आप बताओ कैसे करेंगे। आइडेंटिटी तो लगेगी। हाँ जी, इधर देखो, ये पी है, ये क्यू है, पी क्यू की वैल्यू 10 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो इज इक्वल टू 100 हो गया। इधर ऑलरेडी स्क्वेयर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट नहीं आएगा, पी क्यू तो 10 माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस 3, वाई प्लस 3 होल स्क्वेयर, क्या आ गया, कितना हो गया, 8 स्क्वेयर, 64 हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 64 36, रूट हटा दो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 6। एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लो और दूसरी बार माइनस के साथ, यार डबल आंसर, किस किस का आ रहा था, क्या हो गया, किया क्या ही, ये तो बताओ, सारे ऐसे देख रहे हो, क्या हुआ इस पे आइडेंटिटी लगा दी, फिर हो गया है? पता नहीं ऐसे कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर चुके हैं, कभी आइडेंटिटी लगाई है? नंबर पे थोड़ी आइडेंटिटी लगाते हैं, एक्स वाई है तो कंपल्शन है, अदरवाइज क्या, और इसमें भी नहीं लगानी, स्क्वायर हटके उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। बच्चे इसका मतलब बहुत प्रैक्टिस चाहिए अभी। ये क्वेश्चन देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी साथ में लग रही है, अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, ये एक्स वन वाई वन, इधर देखो एक्स टू वाई टू, इसमें से इसे माइनस करोगे, जीरो माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर द रूट, ये सारा कुछ रूट में है, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ आइडेंटिटी यहाँ नहीं लगानी, ये जीरो का मतलब ये तो हट गया, अब ये बच गया माइनस ऑफ दिस, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव आती है तो नेगेटिव तो भूल जाओ, ये है, ये क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, वहां करते हैं एक मिनट, जरा बहुत नीचे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आपको लिखने से भी ज्यादा सोचने में थोड़ा फास्ट होना है, लिखना तो बाद की बात है, पहले देखा तो करो टर्म्स को आ क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहाँ देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, ये इसके बाद प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, कॉस स्क्वायर कॉमन, ऐसे आ गया, ये दोनों सेम है, क्या कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब ये टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, निकाल लो कॉमन,
ये कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? ये कॉमन ले लिया, ये क्या होता है? वन थ्री आ गया। ये सारा किसमें चल रहा है? रूट में, जो डाला नहीं। ये आ गया आंसर। अपना पेन जब तक नहीं चलाओगे ना, तब तक कुछ नहीं बनना, याद रखना। मैथ्स में पेन गलती करने से मत डरो, पहली बात तो ये। एक बार गलत होगा ना, दो बार होगा, तीन बार होगा, पांच छह क्वेश्चन करने के बाद गलती नहीं होगी, फिर ठीक होने लग जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में कहो ठीक आंसर आ जाए, नहीं आएंगे। किसी के भी नहीं आते थे, हम भी तो जाते थे स्कूल, ऐसे ही होता है। लेकिन जब तक लिखने से डरोगे ना, तब तक आंसर नहीं आएंगे। लिखो जितनी मर्जी बार लिखना पड़े, एक बार चेक किया आंसर नहीं आ रहा, काट दो, दोबारा करो नेक्स्ट पेज पे, फिर आंसर नहीं आया, फिर कट करो, फिर नेक्स्ट पेज पे दोबारा करो। उसमें गलती मत ढूंढो, कभी नहीं मिलेगी। अपनी करी हुई गलती थोड़ी मिलती है, क्योंकि पता ही नहीं होता ठीक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। दोबारा दोबारा करते जाओ, एक ही क्वेश्चन को जब तक आंसर ना आ जाए, तब तक उसे छोड़ना नहीं है। पांच क्वेश्चन ऐसे करोगे, उसके बाद अपने आप सिक्स क्वेश्चन का आंसर पहली बार में आने लग जाएगा। लेकिन लिखोगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बच्चे। ऐसे क्या फायदा होगा बताओ?